विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमीरपुर में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण को बचाने के लिए अलग जगाया और रैलियां निकालकर बाजार में लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील की। इस अवसर पर गांधी चौक पर डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल, डिप्टी डायरेक्टर सोमदत्त सांख्यान भी इस मौके पर मौजूद रहे। रैली में बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर पूरे बाजार की परिक्रमा की और पर्यावरण को बचाने के लिए आह्वान किया। डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर रैलियां निकालकर जागरूकता लाने के लिए प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए पर्यावरण को बचाना सबसे जरूरी है। उनका दिन एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। आज जिला हमीरपुर में भी हमने रैली द्वारा एनवायरमेंट डे को मनाया। अपने पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसी संदर्भ में जिला द्वारा अभी हाल ही में पॉलिथीन हटाओ अभियान भी चलाया गया। हम जितना जल्दी इसका महत्व समझेंगे उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं और जो बीमारियां पर्यावरण में प्रदूषण के कारण फैल रही हैं, इन सब को रोकने के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक है। वहीं जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर सबको संकल्प लेना होगा कि प्लास्टिक चीजों का प्रयोग बंद करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। उन्होंने कहा कि आने वाले 50 सालों में संकट आने वाला है और प्रकृति को बहुत खतरा है, इसीलिए पर्यावरण को बचाना अति आवश्यक है। आज का जो पर्यावरण दिवस आज केवल हिमाचल में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो इसका फोकल थीम था वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि प्लास्टिक से जो बढ़ते हुए हमारे जो खतरे हैं उनसे हम किस प्रकार निपटें। अगर हम प्लास्टिक की जो महत्व थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो प्लास्टिक के दुष्परिणाम हैं बहुत ज़्यादा हैं। आज क्या हो रहा है प्लास्टिक से, जो हमारे छोटे छोटे जो जीव हैं जब प्लास्टिक टूटता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के बाद रासायनिक क्रिया के रूप में उन जीवों का अस्तित्व जो है धरती से मिटा देता है। तो प्लास्टिक जितना हमारे लिए खतरनाक है उससे हम किस प्रकार बचें, किस प्रकार की सावधानी हमें रखनी है, इस प्रकार की जागरूकता और अपने पर्यावरण को किस प्रकार हम स्वच्छ रखें, पेड़ और पौधों का क्या महत्व है, पेड़ और पौधों के द्वारा हम किस प्रकार अपनी जो ऑक्सीजन उसको इकट्ठा कर सकते हैं, इस प्रकार की जागरूकता आज हम समाज में फैलाने जा रहे हैं। स्कूलों के माध्यम से सभी स्कूलों में 5 दिवस का ये जो 5 जून का जो दिवस है इसको मनाया जा रहा है। स्थानीय स्कूलों के छात्रों ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर सभी को संकल्प लेना चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक करना चाहिए। छात्रों का कहना है कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे प्लास्टिक सब कुछ खत्म कर देगा। हमें प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है। और डॉक्टर्स के अनुसार जो प्लास्टिक के जो टिफिन्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, उसमें जो प्योर वाटर होता है वो बहुत जल्दी जो है वो केमिकल बना देते हैं, और जिससे जो है वो 24 टाइप्स के कैंसर होते हैं। तो उस वजह से हमें जो है वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे प्लास्टिक के ऊपर बैन है, बट लोग प्लास्टिक के लिफाफों के ऊपर बट लोग यूज़ कर लेते हैं, वो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। इस रैली से हम ये बताना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का इतना यूज़ हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारी पर्यावरण खत्म होती जा रही है। जितनी खत्म होती जाएगी हमारे वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स हम भी खत्म हो जाएंगे एंड में। तो हम रैली से सबको जागरूक करना चाहते हैं कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और उसको खत्म करें। एनवायरमेंट डे के ऊपर रैली निकाली जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंट आजकल जो एनवायरमेंट है वो लुप्त होते जा रहा है। हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके वजह से बहुत सी समस्या आ रही है। एक सोचने वाली बात है, आजकल युग जो है वो टेक्निकल युग है। अगर पेड़ हमें वाईफाई देता, वाईफाई सिग्नल देता, तो हर एक यूथ और हर एक पर्सन जरूर पेड़ उगाता। तो बस ये सोचने की बात है कि वो सिर्फ हमें एक ऑक्सीजन देती है जो हम ब्रीथ करते हैं, तो इसका ये अपने फायदे के लिए है। तो इसको ऑक्सीजन देता है हमें, इसलिए तो हमें पेड़ उगाने ही चाहिए, जो हमारे यूजफुल है आगे इम्पोर्टेंस और आगे जनरेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम 5 जून मना रहे हैं पर्यावरण दिवस के रूप में, तो हम रैली क्यों निकालते हैं? इसका हमारा यही मोटिव रहता है कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, दुकानों में जो काम कर रहे हैं, हम उनको बता सकें, उनको जागरूक कर सकें अपने पर्यावरण के बारे में। जैसे लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं दुकानों में, तो अक्सर प्लास्टिक यूज़ होता है, तो उसकी रोकथाम की जा सके उनको जागरूक करते हैं, रैली निकाले। अब सारे स्कूल पेंटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, तो इन सब का मोटिव यही है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें कि वो इन सब की रोकथाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हम लोगों
पेड़ लगाने के लिए उनको कहा जाता है। अच्छे अच्छे स्लोगन है जिनसे कि हम उनको जागरूक कर रहे हैं इस बारे में कि पर्यावरण की सुरक्षा करें, और इसी से हमारी जिंदगी है, एक पेड़ एक जिंदगी। स्कूल अध्यापकों का कहना है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रदूषण को दूर करना होगा और प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना होगा। पर्यावरण को साफ और सुथरा बनाने के लिए हर किसी को सहयोग देने की जरूरत है और जागरूकता लाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक का प्रयोग न करके पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान देना चाहिए। जो इन्वायरमेंट है उसको तभी अच्छा और स्वस्थ बना सकते हैं जब हम खुद इसके ऊपर पॉल्यूशन को रोकेंगे, और जब तक हम पॉल्यूशन को नहीं रोकेंगे तब तक इन्वायरमेंट जो है हमारा स्वच्छ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जीवन तभी पॉसिबल है जब हमारे एनवायरमेंट का जीवन होगा, और वो जीवन तभी होगा जब हम एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करेंगे। और जैसे कि सभी को पता है हमारे इस बार एनवायरमेंट डे का जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। जितना कम हम यूज़ करेंगे प्लास्टिक का और प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करेंगे तो हम एनवायरमेंट में उसका पॉल्यूशन कम कर पाएंगे और हम सेफ रहेंगे। और सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण को बचाना है और लोगों को अवेयर करना है।